मेरा नाम रतौतल केसीतल विलेज का है और यह जीपीएम है ग्राम यह है पंचायत ग्राम पंचायत मेंबर। ओके ठीक है। तो सर आप लोग का बस्ती में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है JJM ना जल जीवन मिशन स्कीम से हमने सुना है आपका यहाँ स्कीम आया है जो ये डब्ल्यूटीपी का तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्टर आप कर रहे हैं? हाँ हम कर रहे हैं। तो काम कैसे चल रहे हैं? काम एज पर आप लोग का डिपार्टमेंट का PHC डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन से जय आके लेआउट कर दिया काम को तो उसका आप लोग का इंस्ट्रक्शन हिसाब से जैसे आप लोग डिपार्टमेंट बनाओ बोला ऐसे हम लोग काम को कर रहे हैं सुंदर से बना रहा है। और काम शुरू में फर्स्ट टेंडर लिया टेंडर से मैंने आप लोग जैसे टेंडर लेने का बाद आप लोग का जय आके हम लोग को ये कर दिया क्या बोलते हैं वो लेआउट कर दिया। तो शुरू से लेके अभी तक तो फिनिशिंग होने जा रहा है काम जो है जय आके हम लोग को पूरा गाइड कर रहा है जैसा उसका गाइड का हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आज एक्शन सर अपना डिपार्टमेंट का AE और JE को लेके आप लोग का साइट विजिट कर रहे हैं मतलब काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है तो एक्शन साहब का ये कहना है उस दिन भी हम लोग दूसरा गांव में भी विजिट किया है आप काम को सही समय में सही ढंग से जैसे आपने कहा जय सर जैसे समझाया है अगर ऐसे ही अगर बनाएगा तो आप बिल के लिए बार बार ऑफिस दौड़ने का दरकार नहीं है आपको आज ख़त्म करेगा JE ओके बोलेगा दूसरा दिन ही आपको बिल मिलेगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहेगा कि मतलब आपका काम लेकिन सही ढंग से हो रहा है? हाँ सही ढंग से काम को कर रहा है आप लोग आज एक्शन साहब पूरा टीम लेके यही लोग जय लोग पूरा डिपार्टमेंट आके देखा है इन लोग भी काम को सेटिस्फाई हुआ होगा और हुआ है बोल रहे हैं और काम को हम इन लोग का टाइम का अनुसार से हमारा ऑलमोस्ट अभी खत्म है अभी विद इन एक हफ्ता 10 दिन अंदर में काम पूरा कंप्लीट हो जाए। आज 6 तारीख है आज 10 दिन मतलब 15 तारीख तो होना चाहिए 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाए। और इसमें अभी जो हम आपको बोला है ना बिल के बारे में इसमें एक्शन सर और एक बात जोड़ा है अगर गलत करेगा तो तोड़ के फिर से बनाने देगा। अच्छा ये बात को भी आप ध्यान देना है। और आपका साइट में आपका JE का विजिट कैसे है? JE शुरू से विजिट है आज तक आ रहा है बेचारा जो भी स्टेप एक ये को बनाएगा उसमें उनको हम लोग कवर करते हैं या वो भी आता है आके हम लोग को वो गाइड करता है उस हिसाब से हम लोग काम को करते जा रहे हैं। तो आज मेरा इस आपका ये न्यूज़ का माध्यम से अगर आप डिपार्टमेंट को या किसी पब्लिक को कुछ अगर कहना चाहता है डिपार्टमेंट का तरफ से हमको ये नहीं दिया है वो नहीं दिया है मतलब कुछ अगर आपका मन में है तो आप बोल सकते हैं ये इसका तरफ से हम डिपार्टमेंट को उल्टा थैंक्स देता है और मोदी गवर्नमेंट को भी थैंक्स देता है हम लोग का बस्ती में ऐसा अच्छा एक प्रोजेक्ट पानी का अच्छा सफा पानी पी के बस्ती का बचाव के लिए काम किया हम उल्टा मोदी गवर्नमेंट को भी थैंक्स देता है और आपका डिपार्टमेंट को भी थैंक्स देता है कि आप लोग हर समय पे टाइम आके हम लोग को गाइड किया आप लोग का गाइड का हिसाब से हम लोग भी काम को सुंदर से बना रहे हैं रिक्स सुंदर अपना प्रॉपर्टी सोच के उन भी बना रहा है। और अभी एक चीज़ है हम लोग ये क्या बोलता है वो BLC एक बस्ती का एक पानी का भी एक हम लोग कमिटी बनाया है सेक्रेटरी बनाया है अकाउंट भी खुला है इसका बाद हम लोग अभी पानी को टैक्स हिसाब से हम लोग पर हाउस पॉइंट हिसाब से हम लोग अभी पानी का मैंने एक फंड बनाएगा हम लोग अकाउंट में डालेगा और दूसरा बस्ती लोग भी ऐसा ही काम करो बोल के हम यही सोचता है। थैंक यू। मेरा नाम सिंकू तत्व कौन सा गाँव का है? तो आपका बस्ती में भी यहाँ JJM से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है आया हुआ है ना पानी का टैंकी बनाने का तो आप उसका कॉन्ट्रैक्टर है? हाँ। तो आज आपका बस्ती में ये आलो से एक्शन साहब और आप लोग का डिवीजन का यहाँ का AE और JE सब मिलके जो है आपका साइट को विजिट कर रहे हैं तो आपका काम कैसे चल रहा है? हमारा एक्शन सर का विजिट किया वाला वो देखा है अपना लोकल मिस्त्री अपना से किया है बोला है और काम को भी अच्छा किया है बोला है तो हम PHC डिपार्टमेंट को भी अच्छा सोच रहे हैं अच्छा बोला है हम लोग का काम को भी अच्छा किया है वो लोग भी अच्छा किया है बोल रहे हैं। ठीक है। ये पानी जैसे पानी तो पानी का बिना कोई भी जिंदा नहीं रहेगा ना तो ये आप लोग का बस्ती के लिए है तो इसको आप लोग
पानी को अपना लिए सोच के टैंकी को सही ढंग से बना रहे हैं। हाँ सर, जो भी बोलो वो डिपार्टमेंट जितना बोल रहा है अपना बस्ती के लिए बोल रहा है, और हम लोग अपना बस्ती के लिए बस्ती पटपर्ती जैसे ही सोच के हम लोग बना रहे हैं। सही है, जो डिपार्टमेंट आपका जय सर हमेशा बिजी रहे उसका गाइडलाइंस में हम वो जैसे एडवाइस करते हैं हम ऐसे बनाते हैं। ओके, ठीक है। और कब तक बन जाएगा, खत्म, फिनिश, एकदम फिनिश? मतलब ये ऐसे अगस्त 10 तारीख का अंडर में तो हम लोग का फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना में करेगा सोच रहे हैं अगस्त 10 तारीख तक ना। ओके, आज तो 6 तारीख है ना, आज तो 6 तारीख है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ आप इस विषय में, मतलब ये टैंकी का ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इसका ये में कुछ बोलना चाहेगा, मतलब किसी डिपार्टमेंट को या किसी को? डिपार्टमेंट को बोलने का भी नहीं है, वो लोग जितना बोला है हम लोग इतना किया है। अभी अभी जो है जैसे वो लोग बोला है हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अभी डिपार्टमेंट को भी हम लोग बोलने का कोई और दूसरा नहीं है, जैसे बोला ऐसे कर दिया। अभी डिपार्टमेंट को भी कोई हम लोग का तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। ओके, ठीक है। सर मेरा नाम है पैबम तत्व और याकृत तत्व बस्ती का है। पैबम तत्व, जी सर। ओके, तो आप यहाँ का JJM स्कीम का जो काम आया हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ याकृत तत्व का? जी सर। तो आप लोग का काम कैसे चल रहा है? सर जैसे हम लोग अभी ये है, जैसे आप लोग PSC डिपार्टमेंट जैसे गाइड कर रहा है उसी से काम कर रहा है, और हम सोच रहे हैं कि खुद का भी काम है, और ये लोग भी ठीक से हम लोग को समझा रहा है और काम ऐसे करो ऐसे करो, तो उसी हिसाब से मेरा काम चल रहा है और खुद का परपार्टी है बोल के सोच के हम लोग भी काम कर रहे हैं। आपका सही जी विजिट करता है? जी सर, हमेशा जो भी काम शुरू होगा क्या काम आज करेगा इस समय हम लोग कवर करेगा उच खुद आता है। ओके, तो जय सर जैसे ड्राइंग बनाया ऐसे आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, जैसे ड्राइंग दिया है ऐसे हम लोग बना रहा है। ठीक है, कब तक सर आपको खत्म हो जाएगा काम? हम लोग ये 10 तारीख का गारंटी है मेरा काम में। आप लोग काम को खुद कर रहे हैं, मतलब मिस्त्री कौन है? जी सर, हम लोग खुद कर रहा है, लोकल में, हाँ, लोकल से अपना ये से खुद हाथ से कर रहा है। ओके, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेगा? और सर हम ये मेरा एक कहना है कि मोदी गवर्नमेंट को हम अच्छा पा रहा है, इतना बस्ती हम लोग का एक ये बस्ती है, पानी उनी के लिए इतना तकलीफ हो रहा था, तो आज हम लोग को ऐसे काम दे रहा है, और उसका ऊपर डिपार्टमेंट भी इतना ध्यान से हम लोग को काम समझा रहा है और काम करा रहा है, इसके लिए हम बहुत अच्छा पा रहा है, और डिपार्टमेंट को भी हम थैंक्स दे रहा है। मेरा नाम रहकरता तो GPC क्या जाकिता तो कैसे ताली और MG विलेज का GPC है। अच्छा, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन है ना? जी सर। तो आपका गांव में आपका कितना, 3 गांव है ना? मेरा 4 गांव है। 4 गांव, मतलब 4 बस्ती का एक ग्राम चेयरपर्सन होता है। जी, तो आपका बस्ती में ये JJM स्कीम से बहुत सारा ये आया है, बस्ती बस्ती में आपका टैंकी बनाने का प्रोजेक्ट आया है ना? जी। तो इस काम को आप कॉन्ट्रैक्टर लोग का कहना है उन लोग अच्छे से कर रहे हैं, PHC डिपार्टमेंट जैसे बोला ऐसे कर रहा है बोला है। जी। तो लेकिन आप एक बस्ती का एक लीडर होने का नाते आप तो एक चेयरपर्सन है बस्ती का ना, 4 बस्ती का, तो आपका हिसाब से उन लोग काम कैसे कर रहे हैं? मेरा हिसाब से काम बहुत अच्छा चल रहा है, और हम चेयरपर्सन होने के नाते हम खुद ही कॉन्ट्रैक्टर जैसा जब जब जय आता है हम भी साथ में जाते रहते हैं, और जय भी हमको जब भी वो आता है तो हमको कॉल करते हैं हम आ रहा है, तो हम हमेशा खुद कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है जैसा वो लोग का साथ कॉन्ट्रैक्टर का साथ मिल के हम खुद भी बोलता है अच्छा करना है ऐसा कर रहा है, और काम जो इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए बहुत हम लोग खुश है और अच्छा कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और अभी तो हर बस्ती में अपना एक वाटर मैनेजमेंट कमेटी एक होता है ना, वाटर सैनिटाइजेशन विलेज लेवल का, तो उसका कमेटी जो है बनाया जाता है मेंबर ना। जी, तो इसमें जो है आपका आप जैसे बोला आपका प्रॉपर्टी है। जी, तो हर वक्त डिपार्टमेंट जो है आपका नल खराब को देखने और वो जो टूटा हुआ को देखने नहीं आ सकते। जी सर। तो इसके लिए आप बस्ती बस्ती में महीना में 10 रुपया या 5 रुपया 20 रुपया करके कलेक्ट करता है, तो आप लोग का बस्ती में ऐसे कुछ कमेटी बनाया है? जी बनाया है हम लोग का भी। हम लोग का यहाँ में ग्राम 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट के हिसाब से
कमेटी इसमें ज्वाइन अकाउंट तीन ज्वाइन अकाउंट बनाया है और इसको हम लोग अभी जो छोटा बस्ती है वो चलो 100 रुपया करके मंथली या ये करके कलेक्ट कर रहा है और ये बड़ा बस्ती ज़्यादा बेनिफिशियरी होने से इसमें हम लोग ज़्यादा बेनिफिशियरी जगह में 50 रुपीज़ करके पर हाउस और वो पैसा इसको हम लोग वही माने जब थोड़ा मोड़ा खराब होने से माइनर केस को हम लोग अपना से सॉल्व करने के लिए उसके लिए डिपार्टमेंट भी हम लोग का मेसन के लिए भी और प्लम्बर भी ट्रेनिंग दे के रखा है। ठीक है, तो आप एक पब्लिक लीडर है जी, तो आप ही है मतलब अभी अथॉरिटी ना जी गवर्नमेंट का हिसाब से जी। तो अगर आप जैसे आज एक्शन साहब भी आया हुआ है जी, तो आप ये मीडिया में भी आप सीधा बोल सकते हैं आपका जेईई से कोई शिकायत मतलब ये स्कीम को लेके अगर वो ठीक से मॉनिटर नहीं कर रहा है या ये कर रहा है मतलब दूसरा प्रॉब्लम भी है तो आप बोल सकते हैं एज ए पब्लिक लीडर। हाँ ना मैं मेरा ख्याल से हम जहाँ तक देख रहे हैं देखिए एक्सचेंज सर भी आज एक्सचेंज सर ए सर जे सर सब मिल के अभी आया है और इतना जंगल में दूर में हम खुद भी नहीं जा सकते ऐसे जगह में एक्सचेंज सर आके विजिट करके ये काम को ये के सर्टिफाई करना बहुत अच्छा बात है। हम तो थैंक्स एक्सचेंज साहब को भी इस तरह से होने से हर जगह में अच्छा काम चलते रहेगा और जय साहब तो डेली नहीं मतलब आपका जब भी एक टैंकी बनाएगा एक टैंकी के अंदर में भी बहुत कुछ है हम भी इतना ये नहीं है तो जब भी वो कुछ आइटम बनाने जाएगा तो एक्सचेंज जय साहब को कॉल करता है जय साहब आते हैं फिर बताते हैं अच्छा से समझाता है तो ये सब को देखने से तो पूरा दिल से हमारा पीएचसी डिपार्टमेंट पूरा दिल से ये काम को करने दे रहा है इसलिए हम एकदम बहुत सेटिस्फाई है। ठीक है, तो लास्ट में जेजेएम जल जीवन मिशन का ये है कि हर घर में नल होने जी मतलब हर घर में साफ पानी पीने का पानी आना है जी सर। तो आप चार बस्ती का लीडर है जी, तो आपसे भी मैं ये अपील करूंगा इस न्यूज के जरिए से जी, तो आप भी सही से मॉनिटर कीजिएगा टैंकी बनने का बाद भी जिस घर में नल नहीं है उसमें सही ढंग से आप लगा दीजिएगा। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम पोरपनोसी। पोरपनोसी आपका ये बस्ती का नाम क्या है? ये परितम्यो। परितम्यो। आप लोग का यहाँ जे जे एम स्कीम से ये वाटर टैंक जो वाटर प्लांट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांटेशन प्लांट जो आया है ना जी, तो उसका आप कॉन्ट्रैक्टर है जी। तो आप काम कैसे कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए। काम तो अभी आपका जे सर का साइट इंजीनियर का ये सजेशन से अभी ऑलमोस्ट 90% हो गया। तो कब तक होगा खत्म ये? आपका वन वीक लग जाएगा उसका बाद खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, तो जय सर जैसे आपको ड्राइंग दिखाया ऐसे बना रहा है जी? बिल्कुल ऐसे बना रहा है जी। जय सर विजिट करता है साइड में जी? जय सर कंटिन्यूस ज़्यादा ही विजिट करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है जी, हर घर में मतलब पानी आना है जी, आपका हर घर में नल आना है ना जी जी। तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और बस्ती का तरफ से आप ये क्या मैसेज क्या मतलब बोलना चाहता है जी? ये ड्यूरिंग अभी लास्ट दो दिन पहले परी वोमेन एक परी नली ग्रुप बोल के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन लोग तरफ से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में फिल्ट्रेशन टैंकी का जो केयरिंग करता है ये कुछ कुछ सिप्स वगैरह उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दिया है। बस्ती का तरफ से भी बहुत हेल्प मिल रही है। अच्छा, ओके, ठीक है। तब तो आप काम को ठीक से कर रहे हैं ना जी? बिल्कुल ठीक है। तब जी तो ये आपका बस्ती का तरफ से आप इस स्कीम के विषय में जी क्या कहना चाहेगा जी? ये स्कीम तो पहले जो टैंकी आता था पी एच सी का तरफ से उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत बेहतर है। तो ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर लगता है। हम खुद एक अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर होके मेरा जहाँ तक नॉलेज है उसमें यहाँ 0 से लेके 3-4-5 टाइम्स फिल्ट्रेशन करके ये पानी एकदम प्योर में आएगा। तो इसको अभी दूसरा गांव वाला को भी यही मेरा तरफ से यही बोलेगा कि इसको सीरियसली लेके करना है। ये ऐसे स्ट्रक्चर बार बार नहीं आएगा मेरा ख्याल से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। मैं साफ पानी सबको मिलना है जी जी जी। थैंक यू सर। मेरा नाम जुम्बिन बोमजन है। जुम्बिन बोमजन ना? जुम्बिन बोमजन। ओके, कौन सा बस्ती का है? परी का है ना जी। ओके, परी में ये जे जे एम स्कीम से जो स्कीम जो आया है उस पानी टैंकी जो बना रहे आप उसका कॉन्ट्रैक्टर है जी? ओके, आपका काम कैसे चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है सर।
80% तो कंप्लीट हो गया। ओके, कब आज आपका आलो से एक्शन साहब, ए साहब और जे साहब सब आया है, आपको शायद विजिट कर रहे हैं ना जी। तो सर लोग क्या बोले, मतलब आपका काम सही चल रहा है बोला है ना, उसको तोड़ के फिर से बनाओ, क्या क्या बोला है? सही चल रहा है, सही चल रहा है जी। कब तक खत्म होगा सर? ये 6-7 days के बाद खत्म होगा। मतलब एक हफ्ता के बाद खत्म हो जाएगा। ओके, तो भाई ये क्या बोलते हैं, ये आपका JJM स्कीम से जो अभी आपका जो काम कर रहे हैं वो सच में बस्ती वाला को पूरा बेनिफिट मिलेगा जी? मिलेगा, सबको पानी मिलेगा जी। मुर्गन एरिया है, कौन सा गांव है? मैं ये गमतली बस्ती का है ना, तो ये हम JJM स्कीम ये साल का कॉन्ट्रेक्टर है, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी साहब का गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरा CM साहब और MLA श्री न्यामर करवक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हम लोग का एरिया में जो पानी नहीं मिल रहा है उसको सब पानी मिलने दे रहा है, इसलिए एरिया का प्रॉब्लम को हर चीज़ को आज हम लोग ये जे स्कीम में टैकल कर रहे हैं, तो काम भी हम लोग अच्छा से किया है, और हमारा डिपार्टमेंट को भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, जे सर, ए सर, एक्सचेंज सर लोग भी अच्छा से हम लोग को गाइड किया ये काम के लिए, गाइडेंस करके हम लोग को काम को सफलता होने दिया। तो ये अभी हम देख रहे हैं आपका तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना? हाँ। तो फिनिशिंग और पेंट सेंट करके पेंसिंग लगा के कब हैंड ओवर कर देगा डिपार्टमेंट को? एक्चुअली ये तो हम लोग 10 तारीख तक तो करना था, लेकिन थोड़ा अच्छा से फिनिशिंग के लिए हम लोग 15 तारीख तक हम लोग इसको ये गारंटी दे रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।